चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना। तो हम लोग पिछले दिन हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, उसका ग्राफ भी हम लोग देख लिए थे। तो चलिए उसके आगे का टॉपिक्स देखते हैं, उसके आगे का पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आगे का टॉपिक्स देंगे आरहेनियस का समीकरण। आरहेनियस का समीकरण, आरहेनियस का समीकरण। चलिए फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे आरहेनियस ने, एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है आरहेनियस। आरहेनियस, आरहेनियस ने अपने प्रायोगिक निरीक्षणों के आधार पर, अपने प्रायोगिक निरीक्षणों के आधार पर अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को, ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग किया, निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग किया जिसे, जिसे आरहेनियस का समीकरण, जिसे आरहेनियस का समीकरण कहा जाता है, जिसे आरहेनियस का समीकरण कहा जाता है। चलिए तो अब हम लोग एक समीकरण देखते हैं, आरहेनियस का समीकरण। इसको कर दीजिएगा वीवीआई पॉइंट, हो सकता है आपको पूछा जाएगा, लेकिन अभी तक के पूछा नहीं है, लेकिन ये पूछने का संभावना है कि आरहेनियस का समीकरण बताइए, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि आरहेनियस का समीकरण को सत्यापन कीजिए, प्रूफ कीजिए, ये सवाल पूछ सकता है। तो चलिए आरहेनियस के समीकरण में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके जो वैज्ञानिक हैं, खोजने वाले, उनका नाम ही है खुद आरहेनियस। उनका नाम क्या है? आरहेनियस है। उन्होंने क्या किया कि अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया जब होती है तो हम लोग सीखे ना कि तीव्र अभिक्रिया भी होती है, मंद अभिक्रिया भी होती है, तो उनके वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसको दिखाने के लिए, इसको समझने के लिए एक समीकरण दिया। किन्होंने? आरहेनियस ने। उसको हम लोग बोलते हैं आरहेनियस का समीकरण, उसको आरहेनियस का समीकरण कहते हैं। चलिए अब उन्होंने जो समीकरण, पहला समीकरण का यूज किया वो कौन सा यूज किया? डी एलन के माने लॉग के बटा डी टी इज इक्वल टू ए बटा आर टी स्क्वायर। यानी कि जो उन्होंने, किन्होंने? आरहेनियस ने वो सबसे पहला बार समीकरण का प्रयोग किया वो यही समीकरण है। अब इसी समीकरण का इस्तेमाल करके एक नया आरहेनियस का समीकरण मिलेगा। तो जहां पे अब हम लोग समझते हैं कि यहां क्या क्या है, तो जहां के क्या है तो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। टी क्या है तो बड़ा टी दिखाता है ताप, और याद रखे दोस्तों ये ताप जो है हमेशा केल्विन मिलेंगे। ताप का ऐसा मात्रक डिग्री सेल्सियस भी होता है, फारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है, लेकिन हम लोग किस में यूज करेंगे इसको? केल्विन में। यहां ई नहीं है, ई ए है, और याद रखिएगा हम लोग ई ए एस लिखेंगे, ई बड़ा उसके नीचे छोटा ए। तो जहां ई ए क्या है? सक्रियण ऊर्जा। ई ए का मतलब सक्रियण ऊर्जा। हम लोग देखे थे जब ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे थे, ये हो गया। फिर R का मतलब समझते हैं, R का वैल्यू होता है गैस स्थिरांक, और इसका वैल्यू होता है 8.31 गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। तो अगर कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो यही आरहेनियस ने सबसे पहले समीकरण का इस्तेमाल किया था, और इसी समीकरण का इस्तेमाल करके उन्होंने एक नया समीकरण दिया। तो चलिए अगर यहां तक लिख लिए होंगे तो चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे? पुना, पुना, पुना ये समीकरण को लिखना है, घेरा नहीं मारना इस बार। इसे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, जब इसका अवकलन कर किया जाता है, क्योंकि अभी हम लोग डिफरेंशिएशन सीखना स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग आने वाले मैथ्स में अगर डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से सीखेंगे तब ये हम लोग को समझ में आएगा। फिलहाल इसका अवकलन कैसे किया जा रहा है वो समझिए। जैसे डी एल एन का है तो यहां हो जाएगा सिर्फ एल एन के,
इज इक्वल टू, यहां अगर आर टी स्क्वायर है डीटी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे जब ऊपर जाएगा तो माइनस में वैल्यू आता है, माइनस ई ए बटा दो को टी है, टी स्क्वायर का मैंने टी इंटू टी, तो यहां एक टी बचेगा और प्लस एल एन ए बचेगा। ए एक तरीके का एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको हम लोग एक कॉन्स्टेंट के रूप में भी ले सकते हैं। ए क्या है? एक कॉन्स्टेंट के रूप में यूज किया गया है। चलिए अब उसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये इधर प्लस में है तो हम यहां ला सकते हैं इधर माइनस में, तो क्या बनेगा? एल एन के माइनस एल एन ए इज इक्वल टू माइनस ई ए बटा आर टी। अब इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लॉग एम माइनस लॉग एन रहता है, यानी कि अगर कोई भी लॉग अगर माइनस में रहता है तो उसको हम लोग डिवाइड में कर सकते हैं, ये रूल होता है लॉग का, लॉग एम बटा में एन। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एल एन के माइनस एल एन ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल एन के बटा ए, एल एन के बटा ए, चूंकि ये माइनस में है तो बटा में लिख देंगे, इज इक्वल टू यहां पे क्या है माइनस ई ए बटा आर टी। अब एक और रूल होता है, क्या होता है वो समझिए, अगर मान लिया कि लॉग रहे, लॉग पी रहे और यहां टी रहे, तो यहां पी बराबर लिख सकते हैं, पी बराबर लिख सकते हैं क्या, तो एल एन के, वन मिनट जस्ट वेट, हाँ यहां पी बराबर लिख सकते हैं ई के पावर माइनस टी, यानी कि एक लॉग का प्रॉपर्टी है कि जब अगर कोई भी लॉग में रहे, अगर कोई इक्वल में रहे तो लॉग को हटाएंगे तो यहां इस टी को कहां ले जाएंगे, ई के पावर में ले जाएंगे, ई के पावर टी लिखेंगे, यानी कि इधर वाला जो वैल्यू होता है उसको डायरेक्ट पावर में लिखा जाता है। तो अगर हम लोग यहां से अगर एलएन को हटाएंगे तो यहां क्या बचेगा, के बट्टा ए, जैसे कि यहां लॉग को हटाए थे तो पी का पी बचा था, लेकिन यहां टी क्या हो गया था, यहां वाला जो वैल्यू था उसको ई के पावर में लिखे, तो वही बात यहां पे भी है, जो ये वाला वैल्यू है वो ई के पावर में ई ए बट्टा आर टी होगा। अब हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला जो ए है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसलिए k इज इक्वल टू ए गुना, ये तो ऊपर गुना में चल जाएगा, e के पावर माइनस ई ए बट्टा आर टी। तो इस तरीके से ए हम लोग का आरहेनियस का समीकरण प्राप्त हो गया। तो ये इसको बोलते हैं आरहेनियस का समीकरण। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि आरहेनियस का समीकरण क्या है, तो k बराबर a इंटू ई के पावर, k बराबर a इंटू ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी, सबका वैल्यू, k का मतलब क्या, तो वेग स्थिरांक, a का मतलब क्या, दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, e का मतलब एक्सपोनेंशियल, e के पावर x वाला जो होता है ना, e के पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट वैल्यू बोलते हैं, तो यहां एक्सपोनेंशियल है, माइनस ई ए, ई ए मैंने सक्रिय ऊर्जा, R का मतलब गैस स्थिरांक, T का मतलब ताप जो यूज करना है हमें केल्विन में। तो यहां तक के हम लोग सीखे कि आरहेनियस का समीकरण क्या है, इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसका खोज किन्होंने किया, तो आरहेनियस नाम है तो आरहेनियस ही करेंगे। चलिए आरहेनियस के समीकरण को सीखने के बाद जो आगे पढ़ना है वो हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या है, तो आरहेनियस समीकरण के बाद अब हम लोग लिखेंगे टॉपिक अनुक्ता, 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 इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलेक्युलरिटी, मोलेक्युलरिटी, मोलेक्युलरिटी। चलिए अनुक्ता को पढ़ते हैं, क्या होता है अनुक्ता, मोलेक्युलरिटी, तो दैट इज अ वेवीए पॉइंट, वेवीए इसको कर दीजिए अनुक्ता को, उसके नीचे एरो देंगे, फर्स्ट एरो लिखेंगे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अणुकता कहा जाता है। अभिक्रिया की अणुकता कहा जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ सीखते हैं कि आखिर अणुकता क्या है। तो अणुकता में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लिए कि कोई भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जो भी अणु भाग लेंगे तो जितने अणु भाग लेंगे अभिक्रिया में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अणुकता बोलेंगे। यानी कि अणुकता का मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, अगर अणुओं की संख्या एक रहेगी तो अणुकता हो गया एक, अगर अणुओं की संख्या दो रहेगी तो अणुकता हो गया दो। तो चलिए अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि अगर किस किस एग्जाम्पल में कितना अणुकता होगा। और याद रखिए जैसा कि हम लोग डेफिनेशन पढ़े अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कहलाएंगे कि प्रतिफल कहलाएंगे। तो जी हाँ, अभिकारक, क्योंकि प्रतिफल तो जो बनता है उसको ना भाग लेने वाले ये हम लोग लिखे हैं, तो अभिक्रिया में भाग कौन लेगा, अभिकारक ना। इसलिए याद रखिए हम लोगों को रिएक्शन में सिर्फ अभिकारक को ही देखना होगा अणुकता को पता करने के लिए। तो अगर हम लोग का अभिक्रिया किस किस कंडीशन में कैसा कैसा रहेगा अभिक्रिया, तो हम लोग कैसा कैसा काम करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। अगर मान लिया कि एग्जाम्पल फर्स्ट में अगर मान लिया कोई अभिक्रिया वाई से जेड बन रहा है, जेड, तो इस कंडीशन में जो अणुकता का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ओनली वन। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने बोला, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, तो अभिकारक में क्या है, वाई, वाई का मतलब कितना एटम, एक एटम, तो एक एटम का मतलब एक। अगर मान लिया ऐसे रहा, दूसरा एग्जाम्पल, टू वाई से बन रहा है ए प्लस बी, हम एग्जाम्पल में कुछ भी बना रहे हैं अभी, मतलब कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा रिएक्शन रहेगा तो हम लोगों को अणुकता कितना होगा, अगर ऐसा रिएक्शन रहेगा तो कितना होगा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए जस्ट वेट, थोड़ा सा लाइट को जला लेते हैं, थोड़ा सा लाइट आ गया तो क्लियर नजर आएगा। चलिए अब क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि लाइट कटी हुई थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था वीडियोज को शूट करने में, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वाला लाइट बोर्ड के सामने जो लाइट फिक्स किए हैं ये भी जल रहा है और बगल में भी जल रहा है। पहले होता क्या था कि यहाँ पे लाइट नहीं होने की वजह से जब हम लोग ऐसे दिखते थे तो पूरा का पूरा परछाई पड़ता था, लेकिन अब ये परछाई कम हो गया है ताकि वीडियोज क्लियर आए, मेरा चेहरा भले ही नहीं दिखे लेकिन यहाँ पे तो फ्रेश दिखना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ वाला जो चीज लिखा हुआ है वो आपको समझना भी है, नोट भी करना है, तो मेरे चेहरे से ज्यादा आपका बोर्ड है इस पे जो क्लियर लिखा जाएगा उसको दिखना चाहिए। तो अगर हम लोगों का अभिक्रिया अगर इस तरीके का रहेगा, यानी कि 2y प्लस 2y से बन रहा होगा a प्लस b, तो आप यहाँ पे बताइए यहाँ पे अणुकता कितना लिखेंगे। तो प्यारे छात्रों यहाँ पे जो अणुकता होगा अभिक्रिया में y का कितना एटम लिया गया, दो एटम, तो यहाँ हो जाएगा 2। अगर मान लिया ऐसा रहेगा अभिक्रिया a प्लस b से बन रहा है c, अगर ऐसा अभिक्रिया रहा तब इसमें अणुकता कितना होगा, तब इसमें अणुकता हो जाएगा हम लोगों का एक एटम एक और बी का एक एटम, टोटल दो। अगर एग्जाम्पल नंबर चार हम लोगों का ऐसा रहेगा 2y प्लस जेड से बन रहा है b प्लस 4c, अगर ऐसा अभिक्रिया बन रहा है तब हम लोग अणुकता कैसे निकालेंगे। तो अणुकता निकालने के लिए आप हमेशा भाग लेने वाले अणुओं को देखिए। तो भाग लेने वाले अणु का मतलब क्या है कि भाग लेने वाले यहाँ 2y भी है और z भी है, y का कितना एटम, दो एटम, z का कितना एटम, एक एटम, तो दो और एक मिलकर कितना हुआ टोटल, तीन, तो अणुकता हो गया तीन। अगर मान लिया रहे ऐसे पांचवा क्वेश्चन, H2 प्लस O2 बन रहा है 2H2O, अगर ये रहेगा तो इसका अणुकता कितना होगा,
तो प्यारे छात्रों, हम लोगों को अनुक्ता का मतलब ही समझ में आ गया है कि अनुक्ता का मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु का मतलब क्या? अभिकारक। तो यहाँ पे आप अभिकारक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभिकारक कौन सा है, H2V है और O2V है। तो H2 का कितना एटम? दो एटम। H2 का दो एटम और O2 एक एटम। ये टू से मतलब नहीं है, इसके आगे का मतलब है। तो और टू तो एक ही में लिया गया है, तो दो और एक मिलकर कितना अनुक्ता हो गया? तीन। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे थे उसका कैसे अनुक्ता निकाला जाता है और अनुक्ता का क्या मतलब होता है वो हम लोग सीखे। तो चलिए आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन सारे क्वेश्चन आप निकालेंगे अनुक्ता। तो चलिए लीजिए क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो दिख रहा है, पांच क्वेश्चन, इसको जरूर नोट कर लीजिए और सबका अनुक्ता बताइए कि किसका अनुक्ता कितना होता है, यानी कि अभिक्रिया दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आपको अनुक्ता बताना है। निम्नलिखित अभिक्रिया का अनुक्ता निकालें। तो ये पांच क्वेश्चन है और इसका अनुक्ता आप निकालकर हमें भेजिए और फिर हम चेकआउट करेंगे किसका कितना लोग सही है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद का एक टॉपिक्स बच गया है, टॉपिक्स नहीं नोट में करके उसको लिखेंगे। आप अगर नहीं जल्दी लिख पाए होंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। तो नोट में लिखेंगे NOTE, नोट नोट में पहला लिखेंगे, जिस अभिक्रिया की अनुक्ता एक होती है, जिस अभिक्रिया की अनुक्ता एक होती है उसे एक अणुक अभिक्रिया कहा जाता है। एक अणुक अभिक्रिया कहा जाता है। जिस अभिक्रिया की अनुक्ता एक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। वैसे ही लिखेंगे दूसरा में, जिस अभिक्रिया की अनुक्ता दो होती है उसे द्वि अणुक अभिक्रिया कहा जाता है। उसको लिख देंगे द्वि अणुक अभिक्रिया। और फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे नोट का, जिस अभिक्रिया की अनुक्ता तीन होती है, जिस अभिक्रिया की अनुक्ता तीन होती है उसे त्रिअणुक अभिक्रिया कहा जाता है। त्रिअणुक अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए, ये नोट में कुछ और बात नहीं था, हम लोग अभी सीखे कि अगर जिस तरह का अभिक्रिया रहेगा तो अभिक्रिया को देखकर या तो अनुक्ता एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार, कुछ भी अनुक्ता हो सकती है। अगर मान लिया कि अनुक्ता वन रहा तो उसको बोलेंगे एक अणुक अभिक्रिया। अगर मान लिया अनुक्ता रहा दो तो उसको हम लोग द्वि अणुक बोलेंगे। अगर अनुक्ता किसी किसी का तीन रहा तब हम उसको बोलेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया। तो एक नाम के तौर पे कि अगर हमें कोई पहचानने बोला जाए कि ये बताओ कि द्विअणुक अभिक्रिया किसमें हो रहा है, तो द्विअणुक का मतलब क्या कि उसका अनुक्ता दो होना चाहिए, तभी ना वो द्विअणुक कहलाएगा। तो आप द्विअणुक या त्रिअणुक या फिर एक अणुक का मतलब है कि अनुक्ता एक तो एक अणुक, अगर अनुक्ता दो तो द्विअणुक, और अनुक्ता अगर तीन तो त्रिअणुक। तो ये अभी हम लोग सीख रहे थे अनुक्ता के बारे में स्पेशलिस्ट। अब इसके आगे का जो टॉपिक्स है वो है अभिक्रिया का कोटि। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक्स है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और उसको हम लोग को सीखना भी है। तो हम लोग इसको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, अगले दिन। तो आज तक के हम लोग केमिस्ट्री को यहीं पे एंड करते हैं। अनुक्ता आज हम लोग सीखे हैं, कल हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। धन्यवाद।